हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज वन ए सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स का तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है हमारा इफ पी एंड क्यू आर टू इंटीजर्स सच दैट पी इज अ पी इज द प्रोडसर ऑफ क्यू तो हमें देन पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू तो हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन कह रहा है इफ़ पी एंड क्यू आर टू इंटीजर्स हैं हमें दो इंटीजर पी एंड क्यू दिए हैं कह रहे हैं सच दैट पी इज द प्रोड्यूसर ऑफ क्यू तो हम प्रोड्यूसर जानते हैं जैसे हम हमने कोई डिजिट लिखी फाइव तो इसका प्रोड्यूसर क्या होगा इसका प्रोड्यूसर फाइव का प्रोड्यूसर क्या होगा फोर होगा फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर होगा ऐसे ही पी इज द प्रोड्यूसर ऑफ क्यू राइट पी इज द प्रोड्यूसर ऑफ क्यू पी पी इज इक्वल टू क्या है Q का प्रोड्यूसर है यानी कि Q माइनस वन जैसे हमने फाइव में से वन घटाया तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है एक कम यानी कि P की जगह हमें क्या लिखना है प्रोड्यूसर ऑफ Q, प्रोड्यूसर ऑफ Q है हमारा तो इसका प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा Q का प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा Q माइनस वन जैसे फाइव का प्रोड्यूसर हुआ है फाइव माइनस वन ऐसे ही Q का प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा Q माइनस वन यानी कि P इज इक्वल टू क्या लिखना है Q माइनस वन राइट देन कह रहा है पी माइनस क्यू इज़ इक्वल टू देन पी माइनस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है तो पी की जगह हम क्या लिख देंगे ये क्यू माइनस वन राइट और माइनस क्यू राइट तो ये क्या है प्लस का क्यू है राइट right? तो प्लस का क्यू और माइनस क्यू क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास माइनस का वन राइट right? तो आंसर हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन ए नहीं सॉरी डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा माइनस वन राइट तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए